Hi everyone. So in the previous few videos, because we are doing the jurisdiction and the powers of judiciary, so in the previous few videos, these are the jurisdictions that we have already covered, like original, writ, appellate, advisory, and then supervisory also, and then the control over subordinate courts, right? Now what we have to see, ये कुछ चार बाकी हैं, court of record, power of judicial review, constitutional interpretations, and the other powers. तो ये miscellaneous ही है, kind of we can just see. तो इसको हम थोड़े short में जो भी इनकी basic details हैं उसको cover करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? So I'll see you guys. Now let's continue our discussion. तो सबसे पहले बात करते हैं हम court of record की. और प्रीवियस वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखा है सो आई वुड रेकमेंड दैट प्लीज़ डू, नहीं तो फिर आपको एक पूरी कहानी और एक पिक्चर समझने में, लार्जर पिक्चर समझने में यू माइट फेस दैट प्रॉब्लम. सो मूविंग अहेड विद द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड विच इज़ वैलिड फॉर बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, कि कोर्ट जो है वो खुद में एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की तरह कैसे काम करता है, इसका क्या मतलब है. द फर्स्ट इंटरप्रिटेशन फॉर दिस इज दैट द जजमेंट्स, प्रोसीडिंग्स एंड एक्ट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर रिकॉर्डेड. ये तो आपको पता है, जो भी प्रोसीडिंग होती है, जो भी जजमेंट होता है, उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है. नाउ दे आर रिकॉर्डेड फॉर द परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी. इसका क्या मतलब है कि आगे भी अगर उसकी कभी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या फिर किसी चीज़ के रेफरेंस के लिए इफ़ यू नीड टू गो बैक टू एनी जजमेंट. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नोटिस दैट अभी कोई भी जैसे रिसेंट जजमेंट आता है, ठीक है, तो उसमें आपको आपने अगर थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा, यू वुड नोटिस दैट देयर आर रेफरेंसेस टू द प्रीवियस जजमेंट्स मेड, ठीक है, कि इस जजमेंट ने में इस हाई कोर्ट ने या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें कही जिसके बेसिस पर हम ये वाला जजमेंट अभी दे रहे हैं. और इट माइट ऑल्सो बी पॉसिबल कि कोर्ट के ही खुद के पुराने किसी जजमेंट को वो चेंज भी किया जा सकता है, ठीक है, इन अ लेटर पीरियड ऑफ टाइम. वो क्यों किया जाता है, बिकॉज इट इज़ हो सकता है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वेन सम जजमेंट वॉज टेकन बाय द कोर्ट, इट वॉज इन कॉन्टेक्स्ट टू द सिचुएशन, द सोशल इकोनॉमिक पोलिटिकल सिचुएशन ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम और दैट पीरियड. बट विथ एज लाइक यू नो एट द एज द टाइम कंटिन्यूज एंड एज वी इवॉल्व देर आर मेनी थिंग्स विच नीड्स टू बी अकोमोडेटेड. सो यू कैनॉट हैव द सेम सिस्टम बींग कंटिन्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि एक अगर रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो रेफरेंस कहाँ से लेंगे. So they are admitted to be the evidentiary value कि ये जो इनके खुद के जजमेंट और प्रोसीडिंग है ना, ये भी एविडेंस की तरह ही काम करते हैं आगे. एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड व्हेन प्रोड्यूस्ड बिफोर एनी कोर्ट. तो अगर पुराने किसी प्रोसीडिंग या जजमेंट को किसी दूसरे कोर्ट के सामने किसी भी वक्त पेश किया जाता है तो उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये एक पावर है जो जुडिशरी के पास है, ठीक है, ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द लीगल प्रेसिडेंट्स एंड द लीगल रेफरेंसेस. ऑल्सो द पावर लाइज विद द कोर्ट टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. अगर कोर्ट की कोई डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, अवमानना कर रहा है, तो पनिशमेंट का भी पावर है, ईदर विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, सिंपली जेल में डाल के कुछ फाइन लगा के, या दोनों लगा के. अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे हम अभी और डिटेल करेंगे, लेकिन है ये प्रोविजन, ठीक है ना. सो 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने ही ये बात बोली दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इट्सेल्फ. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की ही सिर्फ कंटेम्प्ट करी तो उस सिर्फ उसी को सुप्रीम कोर्ट जो है वो पनिशमेंट दे सकता है. अगर किसी ने हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट या ट्राइब्यूनल जो कि पूरे देश में काम कर रहे हैं, अगर इनके भी कंटेम्प्ट की जाती है तो भी सुप्रीम कोर्ट के पास पनिशमेंट का पावर है. सो इफ़ यू आर इफ़ देयर इज़ द कंटेम्प्ट फ्रॉम योर साइड, अगर आपने डिसरिस्पेक्ट करा है चाहे सुप्रीम कोर्ट, चाहे हाई कोर्ट, चाहे ट्राइब्यूनल या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का, इन ईदर केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर दैट कंटेम्प्ट, ठीक है, रिमेंबर दिस. नाउ द पॉइंट इज़ वॉट इज़ दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. ये जो अवमानना है, ये नाउ दिस टर्म इज़ नॉट डिफाइंड. ये सब प्रीलिम्स में आते रहता है क्वेश्चन, है ना, कि वॉट टर्म इज़ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वॉट इज़ डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ दिस टर्म कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इट इज़ डिफाइंड इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971. एंड दिस इज़ प्राइमरली कंसिडर्ड इन टू टू टाइप्स, सिविल कंटेम्प्ट एंड द क्रिमिनल कंटेम्प्ट. वॉट इज़ सिविल कंटेम्प्ट? सिविल आपको मैटर सब समझ आता ही है, ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट. तो यहाँ पे क्या होता है, सिविल कंटेम्प्ट वुड मीन इफ़ यू आर विलफुली डिसओबेइंग. विलफुली मतलब आप अपने मर्जी से, ठीक है, डिसओबे कर रहे हैं टू एनी ऑफ द जजमेंट, ऑर्डर, रिट और एनी अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट,
ठीक है, या फिर यू आर विलफुली ब्रीचिंग यू नो एनी अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट. कोई भी मतलब कोर्ट का कोई भी जजमेंट है, ऑर्डर है, रिट है या प्रोसेस है जिसको आप विलफुली डिसओबे कर रहे हैं अपने मर्जी से कि नहीं मेरे को तो मानना ही नहीं है इस टाइप से, ठीक है. या फिर आपने कोर्ट को कोई अंडरटेकिंग दी थी. अंडरटेकिंग हम कब साइन करते हैं? लेट्स से आप किसी एग्ज़ाम में गए, मतलब मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, ठीक है, सीरियस नोट पे लिया भी जा रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ हेर फेर है, तो आप अपना एडमिट कार्ड भूल आए, ठीक है. लेट्स से ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द एग्ज़ाम यू फॉरगॉट योर एडमिट कार्ड, बट यू आर बिकॉज यू आर द स्टूडेंट, यू हैव द आई कार्ड, और मे बी इफ यू आर नॉट लाइक थोड़ा सा वो चेक वेक करके आपको इतना बोल सकते हैं कि ठीक है आप अभी अटेम्प्ट कर लो ये वाला पेपर, बट इन एंड यू गिव अस इन राइटिंग दैट इज़ अंडरटेकिंग कि नेक्स्ट वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में तो वो 4-5 दिन का होगा, है ना, तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में आप पेपर सॉरी एडमिट कार्ड लेकर आओगे, नहीं तो यू विल बी डिसक्वालीफाइड फ्रॉम द एग्ज़ाम. तो आपसे वो अंडरटेकिंग साइन करवाते हैं कि आप लेकर के आओगे, ठीक है. गलती से अगर आप भूल गए तो इट्स ओके. तो अगर आपने मान लीजिए कोर्ट को ऐसा किसी भी तरीके का अंडरटेकिंग दिया है कि ओके दिस इज़ वॉट आई हैव नॉट डन नाउ बट आई विल डू इन द फ्यूचर, और आपने उसको विलफुली ब्रीच कर दिया, अपने मर्जी से ही खुद की ही दी हुई अंडरटेकिंग को ब्रीच कर दिया, तोड़ दिया, ठीक है, तो दैट इज द सिविल कॉन्टेम्प्ट. क्योंकि आपने यहाँ पे कोई क्रिमिनल वाला एटीट्यूड नहीं रखा है, बट स्टिल यू हैव डिसओबेड और यू हैव ब्रीच्ड, राइट. देन वॉट इज दिस क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट? इट इज़ अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एक्ट विच स्कैंडलाइजेज और लोअर्स द अथॉरिटी ऑफ अ कोर्ट. कि आप कुछ भी ऐसा छाप दे रहे हैं या कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कोर्ट की अथॉरिटी स्कैंडलाइज हो जा रही है या फिर कम हो जा रही है, या फिर किसी भी तरह का प्रेजुडिस हो या इंटरफेरेंस हो विद द ड्यू कोर्स ऑफ अ जुडिशियल प्रोसीडिंग. कोई भी प्रोसीडिंग में आप कुछ ऐसा बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप इंटरफेयर कर रहे हैं या ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैटर, ठीक है. तो आप किसी भी तरीके से अगर रुकावट बन रहे हैं, सो दैट इज़ द क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट. अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि क्रिमिनल सॉरी द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विल नॉट बी एप्लीकेबल जहाँ पर कोई इनोसेंट पब्लिकेशन हो किसी भी चीज़ का, ठीक है. जैसे यहाँ पे पब्लिकेशन की बात की गई थी ना, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पब्लिश करने पे लगेगा, बट कुछ गलत नहीं होना चाहिए. तो इफ़ देयर इज़ सम इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी मैटर, यू नो एनी काइंड ऑफ फेयर रिपोर्टिंग, एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ द जुडिशियल प्रोसीडिंग, सम रीजनेबल और फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द जुडिशियल एक्ट एंड कमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशियरी, तो इन सब चीज़ों पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है. विच ऑल्सो इन अ वे सेज दैट ऐसा नहीं है कि फिर जुडिशियरी, क्योंकि अगर हर चीज़ पर कंटेम्प्ट लगा दिया जाएगा तो जुडिशियरी इसका मतलब कुछ भी कर सकती है. बट वी डू हैव द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज, हमें तो सब कुछ मेंटेन करके रखना है ना. वी विल नॉट अलाउ एनी ब्रांच और एनी ऑर्गन ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ अ सिस्टम. मतलब नाम से वो भले डेमोक्रेसी हो, लेकिन ऐसा हम नहीं अलाउ करेंगे कि वो अपने मर्जी का कुछ भी कर लें. तो इसीलिए हम एक चेक भी लगा रहे हैं कि अगर फेयर है चीज़ें, अगर रीजनेबल है, अगर अकाउंटेबल है, अगर सही है बात, जस्टिफाइड है, ठीक है, तो भाई आप कर लो, बट अदरवाइज इट विल बी द कंटेम्प्ट, ठीक है. And also as a court of record, High Court also has the power to review and correct its own judgment. अपने ही judgment, order या decision को दोबारा से check करना, review करना और कुछ अगर ज़रूरी लगे तो correction करना. Even though no specific power of review is conferred on it by the Constitution. Please note, ठीक है, High Court के पास ये power ज़रूर है, लेकिन इसमें Constitution द्वारा ऐसा दिया हुआ नहीं है, but वो करते हैं. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास स्पेसिफिकली जुडिशियल रिव्यू का पावर है. ये हमने पढ़ा भी हुआ है और हम जुडिशियल रिव्यू भी आगे देखेंगे भी, ठीक है. तो जुडिशियल रिव्यू क्या है? पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू विद द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. जहाँ पर क्या इस पर हम काफ़ी बात कर चुके हैं. इफ़ यू रिमेंबर इन द इनिशियल लेक्चर्स व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द यू नो केसेस, केच अनंद भारती हमने करा था, उसके अलावा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पर बात करी थी. तो हमने जुडिशियल रिव्यू पर आई हैव टेकन अ सेपरेट लेक्चर, डिटेल्स आपको वहाँ मिलेगा. This is because it is coming within the heading of the power and the jurisdiction. तो हम इसको एक broad तरीके से short form में अभी देख रहे हैं, ठीक है. Now the judicial review is the power of the Supreme Court or the High Court to examine the constitutionality of the legislative enactment and executive order. क्या है कि जो central government है, अगर आप यहाँ note करोगे तो central government और state government, ठीक है. अब इसमें यहाँ पर चाहे उन्होंने कोई लॉ बनाया हो, मतलब सेंट्रल लेजिस्लेचर या स्टेट लेजिस्लेचर ने, या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करा हो, तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव दोनों काउंट होते हैं,
उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है. इफ दे आर इन अलाइंड अलाइनमेंट इन विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, उसको चेक करती है, उसको एग्जामिन करती है कोर्ट. नाउ इफ ऑन एग्जामिनेशन द एक्ट, जो भी लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट है या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, इफ दे आर फाउंड टू बी वायोलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया जाता है कि दिस इज रॉन्ग. ठीक है, एंड इट कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, वॉइड, इनवैलिड, ये सारे टर्म्स यूज होते हैं, ठीक है, बाय द कोर्ट. एंड गवर्नमेंट फिर उस एक्ट को अप्लाई नहीं कर सकती है या उस ऑर्डर को इन्फोर्स नहीं कर सकती है. वॉट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर दैट द फ्रेज जुडिशियल रिव्यू इज नो वेयर यूज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, एक्सप्लिसिटली ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ दिखता है. हाई कोर्ट के पास जो पावर है अंडर आर्टिकल 13 एंड 226, ये हमने रिट्स वाली बात करी हुई थी. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ अ लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट, जिसकी यहाँ हमने बात की, और द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन हाई कोर्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स. किस किस नाम पे उस पर चैलेंज कर सकते हैं, कि फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हो गया, या फिर जो है इट इज़ आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ अथॉरिटी विच हैज़ फ्रेम्ड इट, मतलब ऐसे अथॉरिटी ने उसको बना लिया जिनके पास वो बनाने का पावर ही नहीं था, या फिर इट इज़ रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अगेंस्ट है. ठीक है, नाउ 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो थी 1976, इट कर्टेल्ड द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड डिबार्ड द हाई कोर्ट्स फ्रॉम कंसिडरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल लॉ. ठीक है, लेकिन फिर 43rd अमेंडमेंट एक्ट से ओरिजिनल प्रोविजंस जो है वो पोजीशन रीस्टोर हो गया. तो बेसिकली जो प्रेजेंट है वो है कि दे कैन डू दिस, लेकिन बीच में ऐसा उनको हटाया भी गया था. ठीक है, क्योंकि ये एक्ट आपको पता ही है सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. इसका रेलिवेंस आप जब पॉलिटिकल चीज़ें समझेंगे, इमरजेंसी रिलेटेड चीज़ें समझेंगे, उस टाइम एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में क्या चीज़ें चल रही थी वो समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगा. बट आई थिंक फॉर द टाइमिंग इट्स बेसिकली द आइडिया इज़ कि हाँ अभी हाई कोर्ट के पास पावर है क्योंकि ओरिजिनल पोजिशन रिस्टोर हो चुका है. ठीक है, चलिए एक छोटा सा सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का, विच इज़ फॉर द सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज वी डू कंसिडर द सुप्रीम कोर्ट टू बी द अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. And the Supreme Court gives the final version of the spirit and content of the constitutional provision. मतलब कोई भी constitutional provision में अगर interpretation का मामला आ रहा है, ठीक है, कि इसके provision हमें clear नहीं हो रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है, so we want a clear interpretation of that, तो Supreme Court करती है. And also gives the final version and the spirit of content, कि जो भी content है उसका final मुद्दा क्या है, उसको final किस तरीके से लेना है एंड आगे बढ़ना है वो काम कोर्ट करती है. एंड ऑल्सो एनी काइंड ऑफ वर्बिएज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा टर्म्स जो यूज़ हुआ है, कोई भी ऐसा चीज़ जो यूज़ हुआ है जो हम नहीं क्लैरिफाई कर पा रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करने का काम कोर्ट का है. सो अब कोर्ट में जो जजेस हैं वो भी, क्योंकि जो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया, देर आर मेनी थिंग्स विच कैन बी क्लैरिफाइड फ्रॉम दी जो उस टाइम के डिबेट्स चलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कि किसी प्रोविजन को लाने के पीछे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका क्या इंटेंशन था और क्या पॉइंट्स थे उनके. ठीक है, तो वहाँ तक तो समझ में आता है कि उन पॉइंटर्स के बेसिस पर जो जुडिशरी है, जो कोर्ट है, वो डिसाइड करेगी कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें हैं, इस बेसिस पे ये लोग लेकर आए थे, हम इसको अप्लाई कर रहे हैं. लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा ना कि एट टाइम्स द जुडिशरी, मतलब ज़रूरी नहीं है दैट द डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिव्स यू ऑल द आंसर्स. ठीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है जो समय के साथ चेंज करने की ज़रूरत है. हो सकता है वो उस समय 1946 से 49 के पीरियड में अप्लाई होता दिख रहा होगा, पर हो सकता है आज ना हो. तो उसके लिए द कोर्ट इज़ गाइडेड बाय अ नंबर ऑफ डॉक्ट्रिन्स व्हाइल इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. अभी डॉक्ट्रिन्स क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब हम बात करते हैं, जैसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, जो कि जुडिशियल इनोवेशन ही है. ठीक है, जुडिशरी उसको उन्होंने लेकर के आए, वो समय के हिसाब से उनको जहाँ पे लगा कि हमें अब इस चीज़ की ज़रूरत है. उसी तरीके से लॉ में, क्योंकि दैट इज़ वाई यू विल जस्ट सी दैट आई मेंशन द नेम्स हियर, वी आर नॉट सीइंग द डिटेल्स ऑफ इट, बिकॉज हमें लीगल पर्सपेक्टिव से इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है. एग्जामिनेशन में दिस इज़ नॉट गोइंग टू कम इन डिटेल. एग्जामिनेशन में अगर एक ही डॉक्टर है जो आपके लिए ज़रूरी है, विच इज़ योर बेसिक स्ट्रक्चर, तो लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए. एंड इफ़ यू आर लाइक वेरी कीन एंड इंटरेस्टेड, मे बी यू कैन हैव अ गूगल सर्च ऑन कपल ऑफ देम. एंड इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट, डेफिनेटली आपको तो पता ही होगा. तो
कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जुडिशरी को हेल्प करेंगी टू इंटरप्रेट कि ठीक है ये एक सिस्टम है जो कि फॉलो होता है, ये एक डॉक्ट्रिन है जिसके बेसिस पर हम एक जजमेंट ले सकते हैं, क्योंकि उसके जो बेसिक पॉस्टुलेट्स हैं वो हमें इसमें मदद करते हैं. जैसे एग्जाम्पल्स हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सिवियरेबिलिटी, वेवर, एक्लिप्स, टेरिटोरियल नेक्सस, विथ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, एम्प्लाइड पावर्स, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी पावर्स, प्रेसिडेंट, ऑक्यूपाइड फील्ड, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, एंड देन यू हैव द हारमोनियस कंस्ट्रक्शन. ये वाला थोड़ा अच्छा और इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब यू कैन जस्ट चेक इट आउट इफ़ यू वॉन्ट टू. एंड लिबरल इंटरप्रिटेशन. तो हर डॉक्ट्रिन के पीछे उसकी एक थ्योरी होती है, ठीक है, मतलब उसका एक पॉस्टुलेट होता है, उसका एक लॉजिक होता है, तो उसके हिसाब से वो लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं. बट एज आई जस्ट सेड, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर द लीगल एग्जामिनेशन, वी नीड नॉट सी द डिटेल्स. अ कपल ऑफ देम, इफ यू आर इंटरेस्टेड, प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच देम. एक बार हम जस्ट क्विक चेक करेंगे अदर पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जस्ट ओवरव्यू जल्दी से उसको देख के समझने के लिए. फर्स्टली, इट इज़ अबाउट डिसाइडिंग ऑन द डिस्प्यूट्स विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, इस मामले में कोई भी अगर डिस्प्यूट आता है इनके इलेक्शन को लेके, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल अथॉरिटी. और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट हैज़ द ओरिजिनल, मतलब आप किसी के अपील से नहीं जाओगे, उनके पास डायरेक्टली जा सकते हैं. एक्सक्लूसिव यानी सिर्फ इनके पास है, और फाइनल अथॉरिटी यानी इनकी बात मानी जाएगी. ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो इंक्वायर्स इन टू द कंडक्ट एंड द बिहेवियर ऑफ द मेम्बर्स ऑफ UPSC ऑन अ रेफरेंस मेड बाई द प्रेसिडेंट. हमने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस की बात करी हुई है, वी हैव सीन दैट इन दैट चैप्टर. तो अगर प्रेसिडेंट रेफरेंस देते हैं और अगर UPSC के किसी मेंबर या चेयरमैन के कंडक्ट या बिहेवियर को लेके कोई इंक्वायरी करनी है, तो भी पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है. एंड इफ दे विल बी फाउंड गिल्टी ऑफ द मिसबिहेवियर, इट विल बी रिकमेंडेड टू द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ दैट पर्सन. ठीक है, एंड इट इज़ द बाइंडिंग एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन प्रेसिडेंट. क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का टाइम ऐसे ही वेस्ट नहीं करेंगे ना, तो अगर आप कुछ मामला लेके आ रहे हैं तो फिर वो जो कहेंगे आपको मानना भी पड़ेगा. देन पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर, ठीक है, सेल्फ करेक्टिंग एजेंसी की तरह काम करती है. कैन विदड्रॉ द केसेस पेंडिंग बिफोर हाई कोर्ट्स, क्योंकि अगर कोई भी केस हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग है तो उसको ये लोग अपने पास, मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने पास लेके उसको डिस्पोज खुद से कर सकती है. ठीक है, एंड कैन ट्रांसफर अ केस और अपील पेंडिंग बिफोर वन हाई कोर्ट टू अदर हाई कोर्ट ऑल्सो, कि एक हाई कोर्ट के पास थी पर अब अगर उनको लग रहा है कि दूसरे हाई कोर्ट से इसको सॉल्व करवाना है तो वो भी हो सकता है. एंड द लॉ इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया. सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है वो इंडिया के बाकी सारे कोर्ट्स पर बाइंडिंग है, इसीलिए तो हमारे पास इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है ना. हम स्टेट और सेंटर का अलग अलग तो नहीं लेके चलते हैं, इंटीग्रेटेड है. तो एनी काइंड ऑफ डिक्री और ऑर्डर कमिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट इज़ इन्फोर्सिएबल थ्रू आउट द कंट्री. ठीक है, वो पूरे कंट्री में वैलिड है. ऑल द अथॉरिटीज़, चाहे सिविल हो या जुडिशियल हो इन द कंट्री, शुड एक्ट इन हेल्पिंग द सुप्रीम कोर्ट. एंड देन पावर ऑफ द जुडिशियल सुप्रीटेंडेंस एंड कंट्रोल ओवर ऑल द कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री. ये तो हमने पहले पढ़ाई हुआ है. ठीक है, दिस इज़ वॉट वी ऑलरेडी नो. सो हियर आई एंड द डिस्कशन ऑन दी मिसलेनियस पावर्स एंड जो भी जरिस्डिक्शंस थे जुडिशरी के. ठीक है, वो हमने ऑलरेडी कवर यहाँ पे कर लिए हैं. अब जो भी हमारे पास बाकी हैं, एक छोटा सा सेक्शन है सबॉर्डिनेट कोर्ट्स का, उसको देख लेंगे. क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारी चीज़ें मैंने आपको पैरेलली साथ में दिखाई हैं. एक छोटा सा सेक्शन होगा ऑन द ट्राइब्यूनल्स, बिकॉज दैट्स रिलेटेड टू जुडिशरी, हम उसको देख लेंगे. ठीक है, जुडिशियल रिव्यू आपको करवा दिया है. इफ़ नीडेड आई विल टेक अ क्विक सेक्शन ऑन द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच एंड मे बी PIL ऑल्सो. ऑल्दो ये सब मेन्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट यू नेवर नो, अगर इनमें से कुछ फैक्चुअल चीज़ें उठा के प्रीलिम्स में पूछ दी, सो विल क्विकली समराइज ऑल ऑफ देम. एंड देन हमारा जुडिशरी का सेगमेंट भी खत्म हो जाएगा. हम सारे मेजर सेगमेंट्स खत्म कर चुके हैं बेसिकली पॉलिटी में. अब हमारे पास छोटे छोटे सेगमेंट्स करने बाकी हैं. ठीक है, लाइक द लोकल गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, थोड़ा सा इमरजेंसी वाला, सेंटर स्टेट रिलेशन, सब छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं विच आर टेक अप. ठीक है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, सो प्लीज़ टू वॉच देम. सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर टिल देन. बाय बाय.